नमस्कार दोस्तों, मुंह से सोते समय निकलती है लार, तो इन घरेलू नुस्खों से करें उपचार। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि सोते समय कुछ लोगों के मुंह से लार निकलती है। सिर्फ बच्चों ही नहीं बल्कि बड़ों के साथ भी यह समस्या काफी देखने को मिलती है। दरअसल मुंह से लार निकलने का कारण गलत डाइट के साथ साथ कई बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे मुंह से लार निकलने के कारण और इसे दूर करने के कुछ घरेलू उपाय, जिसे इस्तेमाल कर आप सोते समय मुंह से निकलने वाली लार की समस्या को दूर कर सकते हैं। मुंह से लार निकलने का कारण। वैज्ञानिकों के मुताबिक जागते समय की तुलना में सोते समय ज्यादा लार का निर्माण होता है। लार को एक्सोक्राइन ग्रंथि भी कहा जाता है, जो खाना पचाने में मदद करती है। इसमें जीवाणुरोधी यौगिक, एंजाइम और पानी जैसे कई अवयव होते हैं। जब चेहरे की नसें रिलैक्स होती हैं, तब ग्लैंड्स लार तैयार करते हैं और सोते समय यह मुँह से बाहर निकलने लगती है। आइए जानते हैं घरेलू उपायों के बारे में। दालचीनी। दालचीनी की चाय बनाकर उसमें थोड़ा सा शहद डालकर पिएं। 1 से 2 सप्ताह तक नियमित तौर पर इसका सेवन करने से मुंह से बहने वाली लार की समस्या दूर हो जाएगी। आंवला। खाना खाने के बाद गुनगुने पानी में आंवले का पाउडर मिलाकर पिएं। इसके रोजाना इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में सोते समय मुंह से निकलने वाली लार की समस्या दूर हो जाएगी। तुलसी। तुलसी के पत्तों का दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से मुंह से निकलने वाली लार से छुटकारा मिलेगा। आप चाहे तो तुलसी के पत्ते का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी। पानी में फिटकरी को अच्छे से मिलाकर 1 या 2 बार उससे कुल्ला करें। इससे मुंह से निकलने वाली लार की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। सोने के तरीके को बदले। घरेलू नुस्खों के अलावा इस परेशानी से दूर होने का एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। कुछ दिनों तक कोशिश करें कि आप पेट के बल सोने की जगह पीठ के बल सोएं। इन बीमारियों का संकेत देती है मुंह से निकलने वाली लार। साइनस इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, नाक की एलर्जी, अगर किसी को एसिडिटी की समस्या हो तो भी सोते वक्त मुँह से लार बह सकती है। गलत पोजिशन, एसिडिटी और सोते हुए डरना। दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।